नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सच द रियलिटी और मैं हूं आपके साथ तिशा जैन। आइए एक नजर डाल लेते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। असम में लोकसभा चुनाव से ठीक एक दिन पहले जागी रोड में अज्ञात बदमाशों ने कांग्रेस बूथ कैंप में तोड़फोड़ की। जानकारी के मुताबिक उपद्रवियों ने बुधवार रात बागजाप मंडल कांग्रेस के चुनाव प्रचार कार्यालय में तोड़फोड़ की और बैनर पोस्टर फाड़ दिए। सूत्रों ने बताया कि उपद्रवियों ने कांग्रेस उम्मीदवार प्रद्युत बोर्डोलोई के बैनर भी फाड़ दिए। इस घटना पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और आरोप लगाया कि ये कृत्य विपक्ष का है जो कांग्रेस के सत्ता में आने से डरते हैं। असम के कोकराझार में एनडीए उम्मीदवार जयंत बसुमतारी के समर्थन में एक रैली को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दावा किया कि पूर्वोत्तर राज्य को पूरे देश के साथ जोड़ने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ। उन्होंने कांग्रेस पर पूर्वोत्तर राज्यों को देश से अलग और नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। भाजपा नेता ने कहा कि विपक्षी गुट को लोगों के कल्याण की चिंता नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी गुट केवल खुद को विभिन्न घोटालों से बचाने की कोशिश में लगी हुई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में रामनवमी पर आयोजित कार्यक्रमों के दौरान हिंसा भड़काई। उन्होंने दावा किया कि मुर्शिदाबाद जिले में हिंसा पूर्व नियोजित थी और उन्होंने भाजपा पर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इसे अंजाम देने का आरोप लगाया। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा देने वाले पूर्व सांसद बुलमंडल ने जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन कर ली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें जेडीयू की सदस्यता दिलाई। भागलपुर से सांसद रह चुके बुलो मंडल इसी सीट से फिर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन सीट शेयरिंग में भागलपुर सीट कांग्रेस को मिलने के बाद वो पार्टी से नाराज चल रहे थे। ईडी ने कोर्ट में दावा किया कि केजरीवाल मेडिकल के आधार पर जमानत लेने के लिए जानबूझकर मीठा खा रहे हैं, जिससे उनका शुगर लेवल बढ़े और उन्हें जमानत मिल जाए। कोर्ट के समक्ष ईडी ने कहा कि केजरीवाल को टाइप 2 डायबिटीज है, लेकिन वो जेल में आलू पूरी, आम और मीठा खा रहे हैं। वो ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं। इस पर कोर्ट ने केजरीवाल के वकील से उनकी डाइट प्लान मांगी और कहा कि इस मामले में अब शुक्रवार को सुनवाई होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में रोड शो किया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर हमला भी किया। शाह ने कहा कि जब कांग्रेस कुछ नहीं कर पाती तब ईवीएम को दोष देती है। जब कांग्रेस की तेलंगाना हिमाचल में सरकार बनी तब ईवीएम ठीक थी, अब हार रहे हैं तो नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। तृणमूल कांग्रेस ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने गवर्नर पर आरोप लगाया है कि वो राज्य में आगामी लोकसभा चुनावों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। वहीं गवर्नर ने कहा कि मेरी प्राथमिकता बंगाल के लोगों के साथ रहना है, मैं किसी को मुझे मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दूंगा। टीएमसी की शिकायत में गवर्नर आनंद बोस पर मतदान के दिनों के साइलेंट पीरियड के दौरान दौरा करने का आरोप लगाया गया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल से लोकसभा प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर कांग्रेस को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस नेता लगातार उन पर पलटवार कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने खट्टर के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि प्रिय मनोहर लाल खट्टर कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी में पी चिदंबरम, शशि थरूर, जयराम रमेश, अमिताभ दुबे, गौरव गोगोई, जिग्नेश मेवानी, इमरान प्रतापगढ़ी, प्रवीण चक्रवर्ती जैसे महानुभाव हैं। इमरान प्रतापगढ़ी ने आगे लिखा कि इनमें से प्रत्येक की डिग्रियां असली है और ये सारे के सारे आपसे और पीएम मोदी से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर की तरफ से कहा गया था कि कांग्रेस के लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वे अनपढ़ होते हैं, जो मन में आता है मैनिफेस्टो बना लेते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से एक दिन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि यह कोई सामान्य चुनाव नहीं है बल्कि संविधान को बचाने के लिए है।
और उन्हें लोगों को यह बताने के लिए प्रेरित किया कि भाजपा भारत के विचार को नष्ट करना चाहती है। एक वीडियो संदेश में गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा कि उन पर बड़ी जिम्मेदारी है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को फिर राहत नहीं मिली है। दिल्ली शराब घोटाला केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 26 अप्रैल तक बढ़ा दी है। धन्यवाद। इसी तरह हम आप तक पहुंचाते रहेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। जुड़े रहिए सच द रियलिटी के साथ।